अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सो एक नई वीडियो आपके लिए लेके हाज़िर हुआ है आपका भाई। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको मेरी वीडियो की समझ आ जाए स्टेप बाई स्टेप। एक सुबह से एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है बहुत से लोगों को कि एक एरर आ रहा है जिस पर आपका जो चैनल लॉग इन है और बाकी जो चैनल है वो आपके गायब हो चुके हैं। ठीक है, उसको आपने सॉल्व कैसे करना है। YT स्टूडियो में भी प्रॉब्लम आ रहा है और YouTube में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो कुछ यूँ हैं कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये चेक करें। तो ऐसा ही प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है, आपको प्रॉब्लम इसका फेस करना पड़ रहा है, तो आपका भाई इसका सलूशन लेके आ गया। तो आपने ना कोई ऐप डाउनलोड करनी है और ना ही कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है कैंडी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक पहुंचता रहे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऐप्स ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने जो मेन्यू में आपने सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने नीचे आ जाना। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा ऐप्स का, तो आपने ऐप्स पर क्लिक करना है। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना, आपने ढूँढना है यूट्यूब, अपने YouTube ढूंढना है। तो जैसे ही YouTube आपको मिल जाएगा तो आपने उसको ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ से, मेरे पास YouTube, तो मेरे पास ये YouTube आ गया है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ स्टोरेज, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ क्लियर डाटा, तो आपने यहाँ पे इसको क्लियर कर देना है और ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने, आपके पास YT स्टूडियो में भी ये प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने YT स्टूडियो को भी ऐसा ही कर लेना है। YT स्टूडियो पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपने इसका जो डाटा है ये भी क्लियर कर देना है, इसको भी आपने क्लियर कर देना है। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास क्लियर हो चुकी हैं, अब आपने इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करोगे तो आपके सामने, ये मैं निकाल लेता हूँ, ये चेक करें। अब ये देखें फ्रेंड्स कि मेरे पास जो चैनल हैं वो मेरे आ चुके हैं। तो ये देखें जो मैंने जो स्टोर क्लियर किया, तो आपके पास जो नीचे एरर आ रहा था वो क्लियर हो चुका है। तो मैं आपको YT स्टूडियो में लेके जाता हूँ। अब YT स्टूडियो में भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, एरर आ रहा था, और ये भी आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसको स्टार्टेड कर लेते हैं। तो इसी तरह आप भी आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी मेरे पास ये क्लियर हो चुका है, पहले मेरे पास नहीं आ रहा था तो ये भी मेरे पास आ चुका है। तो आप भी इसी तरह जो प्रॉब्लम अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बड़ा आसान है। तो आप इसको ना कोई ऐप इंस्टॉल करनी, आप यहीं से अपने ही मोबाइल से 1 मिनट में आप लोगों ने इसको क्लियर कर देना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं कैंडी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।